अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ गीसुनाज और आप देख रहे हैं मेरा जी एन लाइफ चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। गाइस, मैं आज एक प्रोडक्ट की रिव्यू लेके आई हूँ जो कि मैंने खुद से परचेज़ किया है अपने लिए। ये है मोबाइल, मैंने फ़्लिपकार्ट से ये ऑर्डर किया है मोबाइल। ये मैंने रियलमी का 9 प्रो लिया है, मैंने 9 प्रो 5G लिया है ये मैंने मोबाइल। और आज मैं इसकी अनबॉक्सिंग करूँगी और जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये वीडियो, ये मैंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए लिया है ये मोबाइल। ये मैंने फ़्लिपकार्ट से लिया था, ऑनलाइन परचेज़ किया था, जिस टाइम सेल चल रही थी तब मैंने ये मोबाइल ख़रीदा था। और देखिए, ये इसकी मैं अनबॉक्सिंग कर रही हूँ। इस कलर के पैक में आया हुआ है ये मोबाइल और आप लोगों को शेयर कर देती हूँ कि कैसा दिख रहा है। ये येलो कलर के बॉक्स में इसमें आया हुआ है Realme 9। इसकी बहुत ज़्यादा देख रहे थे और ये इसका बिल दिया हुआ है, ये मुझे पड़ा है यहाँ पे ऑनलाइन 16,999 रुपये का पड़ा है। अब जो ये मोबाइल मिल रहा है ये 19,000 रुपये का मिल रहा है ये मोबाइल। अब मैं इसको ओपन करूँगी, यहाँ से इसे चाकू से कट कर लेती हूँ इसके चारों ओर से और इसको अनबॉक्स करूँगी। ये मैं बहुत दिनों से देख रही थी कि इसके रिव्यू अच्छे आए हुए थे और अच्छा है ये मोबाइल, इसी वजह से मैंने परचेज़ किया और मैंने वीडियो बनाने के लिए भी लिया, क्योंकि मेरा पहला वाला मोबाइल भी रियलमी का ही था, वो भी अच्छा था मोबाइल। तो आज मैंने इसे ऑनलाइन परचेज़ किया। मुझे लगता नहीं है कि इतना कॉस्टली होना चाहिए था जितनी इसकी प्राइसिंग दिखाई जा रही है, 15,000 से के नीचे होना चाहिए था, लेकिन ये 5G की रेंज में आया हुआ है, ये 5G मोबाइल है, तो इस वजह से शायद इसका प्राइस थोड़ा बढ़ा के रखा हुआ है। और मैंने इसे फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर दिया था जब यहाँ पे सेल चल रही थी, तब मैंने लिया था और मैं इतने दिनों से वीडियो नहीं बना पा रही थी तो इसकी अनबॉक्सिंग नहीं कर पा रही थी मैं। आज मैं ये मोबाइल लेके आई हूँ और इसकी अनबॉक्सिंग कर रही हूँ मैं। ये इसका ऐसा है, इस पर ये कवर चढ़ा हुआ है और अब मैं इसे खोलूँगी, इस मोबाइल को, इसका बॉक्स खोलूँगी। अभी मैंने एक खास कैमरा मोबाइल पकड़ा हुआ है तो इस वजह से इसमें वीडियो बना रही हूँ। इसका मैं कवर खोल के साइड में रख देती हूँ, इसके अंदर क्या क्या मिला है। ये इसमें एक केस कवर है ये, और मैं दिखा देती हूँ आपको, इसमें एक केस कवर दिया हुआ है, इसका कवर है प्लास्टिक का, सिलिकॉन का बना हुआ है ये। और इसके साथ और क्या क्या चीज़ें आई हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये देखिए, इस कलर का ये कवर है, इसमें सिम इजेक्टर टूल भी इसी में दिया गया है और इसके जो पेपर्स होते हैं वो जो पढ़ने के लिए होता है वो सारी चीज़ें दी हुई है। और सिम इजेक्टर टूल है, मैं साइड में रख देती हूँ। और ये इसके बुक दी हुई है, बुकलेट दी हुई है, इसको चलाना कैसे है इसे भी हम साइड में रखेंगे। और ये है इसका सिलिकॉन कवर जो इसके साथ आया हुआ है, और इसे भी मैं साइड में रख दूँगी। इस मोबाइल ठीक है, मुझे देखने में तो ठीक लग रहा है, ये सिलिकॉन का कवर। ये है मैं मोबाइल, इसे ओपन करूँगी मैं। ये इसका कवर में आया हुआ है और साथ में क्या है इसके साथ आया हुआ है, एक ही चार्जर दिया हुआ है इसमें, इसके साथ चार्जर आया हुआ है। ये मेरे पिछले वाले चार्जर से थोड़ा बड़ा है ये चार्जर, और फास्ट चार्जिंग के लिए दिया गया है ये चार्जर। साथ ये डेटा केबल दी गई है, देख सकते हैं आप। मेरी समझ में नहीं आता कि अब कंपनी हेडफोन क्यों नहीं देती है, चार्जर है, डेटा केबल है, हेडफोन भी देना चाहिए। पहले के मोबाइल में हेडफोन भी आया करते थे, अगर हेडफोन भी आ जाते तो कितना अच्छा होता। हाँ, इन्होंने केस कवर देना स्टार्ट कर दिया है ये। अब मैं इसमें रख देती हूँ ये सारी चीज़ें और मोबाइल को मैं अब चला के देखूंगी कि क्या है इसके सारे पेपर देखूँगी साइड में। इसमें भी इसे भी रख देती हूँ मैं कवर करके, सारी चीज़ें साइड में मैं रख देती हूँ। ये इसके अंदर और क्या चीज़ है वो भी मैं देखती हूँ। अब मैं देखती हूँ कि मोबाइल किस कलर का है और कैसा है ये। देखिए, देखने में पीछे की साइड से ये स्काई ब्लू जैसा है, और इसका मैं कवर हटा देती हूँ। और आगे की साइड देखिए,
और पीछे से भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसा है ये। देखिए कितना प्यारा लग रहा है पीछे की साइड से, ये एकदम स्पार्क कलर का, मुझे कलर बहुत पसंद आया था इसमें। एक ग्रीन कलर का था, एक ब्लैक कलर का था, और ये कलर था स्पार्क स्काई ब्लू जैसा था, तो मैंने यही वाला परचेज़ किया। और अगर आप लोग भी इस मोबाइल को लेना चाहते हैं, मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। मैंने ये वीडियो इसलिए थोड़ा लेट बनाया क्योंकि मैं इसे यूज़ भी करके देख रही हूँ, और मैंने इसे यूज़ कर लिया। मोबाइल माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, आप लोग भी इसे परचेज़ कर सकते हैं। 5G फ़ोन है इसमें, कनेक्टिविटी भी अच्छी है इस मोबाइल की, देखने में भी अच्छा है ये, और सारी चीज़ें इसकी बहुत ठीक लगी मुझे। बस थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा है मेरे पिछले वाले मोबाइल से, 17,000 की रेंज में मुझे ये पड़ा है। अब जो मिल रहा है ये 19,000 रुपये में ये मोबाइल मिल रहा है, तो आप देख सकते हैं कि 17,000 की रेंज में मोबाइल मिल रहा है और अब जाके 19,000 रुपये में हो गया है मोबाइल, मुझे तो मिल गया है कम में। और अगर आप ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड वगैरह से लेंगे तो ये फिर आप लोगों को 17,000 की रेंज में पड़ जाएगा। ये सिम इजेक्टर टूल का इसमें दिया हुआ है, और साथ में ये जैक है इसका, साइड में इसके ये कैमरा दिया गया है, इसमें सारी चीज़ें इसमें मेंशन है। और आप लोग देख सकते हैं इसका, फ्लिपकार्ट पे जाके रिव्यू चेक कर सकते हैं, सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। मैं इसे ऑन कर रही हूँ, रियलमी का ब्रांड है ये। जब रियलमी का फ़ोन मैंने लिया था तो मैंने बहुत देखा था, इसका कैमरा मुझे बहुत पसंद आया था, और बैटरी बैकअप भी अच्छा था। और मैं 4 साल से रियलमी का फ़ोन यूज़ कर रही हूँ, और अब जाके मैंने ये सेकंड फ़ोन लिया है, क्योंकि मैं वीडियो बनाती हूँ तो मेरा फ़ोन पूरा भर जाता है, इस वजह से मैंने मोबाइल ये लिया है। और मैं इसे अब ऑन कर रही हूँ, सारी चीज़ें मैं इसका प्रोसेस पूरा कर लेती हूँ, जल्दी जल्दी सारी चीज़ें हो जाएंगी, फिर मैं दिखाऊंगी कैसे चलता है सारा और कैसे प्रोसेस होता है। जल्दी सारी चीज़ें दी गई हैं, जो प्रोसेस होता है इसे सिलेक्ट करना होता है, इसकी सेटिंग पूरी करनी होती है, तो सारी चीज़ें मैं कर रही हूँ सारा जल्दी जल्दी, और सारा हो रहा है मोबाइल का, जल्दी जल्दी मैं सारी चीज़ें कर रही हूँ इसमें, सारी सेटिंग इसकी। तब तक ये फिर मोबाइल अभी अपडेटिंग में हो रहा है, ये अपडेट हो रहा है और सारे सॉफ्टवेयर इसके अपडेट हो रहे हैं, सारी चीज़ें। ये पूछ रहा है कि आप अपना डेटा सारा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मैं अभी नहीं कर रही हूँ फ़िलहाल, मैं इसे आगे नेक्स्ट करूँगी। तो सारी चीज़ें मैं ये पूछ रहा है अपना डेटा सारा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो मैं अभी नहीं करूँगी, मैं अभी कैंसिल कर रही हूँ, क्योंकि मैं बाद में करूँगी सारी चीज़ें, फ़ोन पूरा भरा हुआ है, तो नेक्स्ट मैं कर रही हूँ सारी चीज़ें। सारा नेक्स्ट होता जा रहा है, प्रोसेस होने में थोड़ा टाइम ले रहा है ये मोबाइल अपडेट होने में, जल्दी जल्दी टाइम ले रहा है ये। जैसे ये सब ओपन होगा तो मैं इसे दिखाऊंगी आप लोगों को, ओपन होने में ये सारी चीज़ें पूछ रहा है, ये सारा हमें ऑपरेट करते रहे हैं, ये सारी चीज़ें मैं इसमें करती जा रही हूँ। सबसे पहले साइनिंग इन करने के लिए पासवर्ड पूछ रहा है, करने के लिए पासवर्ड, आप इसमें कोई भी अपना पासवर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, मैं अपना पासवर्ड डाल रही हूँ। और इसे पासवर्ड डालने के बाद जितना भी है आगे रियलमी का UI सारी चीज़ें, मैं इसके मेन फीचर नहीं बता रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं, आप सारा फ्लिपकार्ट पे जाके रिव्यू कर चेक कर लीजिएगा। मैं अभी लिंक भी नहीं दे रही हूँ क्योंकि आप लोगों को अगर ये मोबाइल अच्छा लगता है तो आप इसे जाके उसे परचेज़ कर सकते हैं, मैं कोई लिंक नहीं दे रही हूँ अभी, मैंने कोई लिंक बनाया भी नहीं है एफिलिएट का। तो ये देख सकते हैं पीछे से कितना प्यारा लग रहा है, आगे से आप इसकी थीम सेलेक्ट कर सकते हैं, और ये है मोबाइल। और आप अगर आप लोगों को पसंद आता है मोबाइल तो आप परचेज़ कर सकते हैं। ये छोटा सा रिव्यू मैं लेके आई थी मोबाइल का, मैंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए लिया था, मोबाइल अच्छा चल रहा है, मैंने यूज़ करने के बाद ही इसकी अनबॉक्सिंग की है, पहले ही मैंने कर ली थी पहले, लेकिन मैं आप लोगों को बाद में दिखाने के लिए आई थी यहाँ पर। तो गाइज़ ये 17,000 रुपये का मुझे फ्लिपकार्ट से पड़ा है, आप लोग चाहते हैं तो ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड से ये
परचेज़ कर सकते हैं तो आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाएगा। मैंने कैश ऑन डिलीवरी लिया था ये मोबाइल, तो मुझे डिस्काउंट में थोड़ा मिल गया था ये 17,000 रुपये में। अभी ये 19,000 रुपये की रेंज में है। आप लोगों को अगर पसंद आता है तो आप लोग इसे पसंद करते हैं। देखने में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे कलर हैं, इसके कैमरा भी बहुत अच्छी क्वालिटी का है, और आप लोगों का ये फ़ोन अच्छा लगता है तो आप लोग इसे जाकर बाय कर सकते हैं। मैंने तो अपने पर्सनल यूज़ के लिए लिया है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये फ़ोन। और आप लोगों को थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आए, इसका रिव्यू पसंद आता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं नई वीडियो में जल्दी ही मिलूँगी, तब तक के लिए आप